किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड देम। वो बहुत खुश हैं अपने घर में। उनका एक अभी इंटरव्यू आया था लास्ट वीक के, मैं मुझे पहाड़ों पे रहने का शौक है, मैं अयाशी से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ पहाड़ों पे रहकर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो दिन रात जो रो रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए रो रहे, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उनका ये पैशन हमें जिंदा करता है, उनकी ये सच्चाई अपने मुल्क के लिए जो मोहब्बत है ये हमें दोबारा से जिंदा करता है। ये इतने लोग जो उनके पीछे आ रहे हैं अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, वो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनको सबको पाकिस्तान से मोहब्बत। हमारा तो कवर, हम तो पाकिस्तानी, हमारा तो सब कुछ, जैसे रिजवान ने बोला हमें वहीं जाना है, वहीं दफन होना है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। और इस हाल में तो हमें हर सूरत में उनका साथ देना है, किसी भी सूरत में हमें उनके साथ खड़े रहना है, हमें उनको बताना है कि हम आपके साथ हैं। हम लोग एयर कंडीशन रूम्स में, घरों में, अच्छे घरों में बैठ के अपना यहाँ पर सोते हैं। मैं कल बेड पे जब लेटी तो मैंने सोचा हम कितने आराम से सो रहे, वहाँ छोटे छोटे दो दो साल चार चार साल के बच्चों को औरतें लेके उस पटरस में बैठी हुई है कितने दिनों से। उन लोगों को एक होप है कि पाकिस्तान आज़ाद होगा और कल को हमें अच्छे खाने को मिलेगा, अच्छे पीने को मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। हम सबको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और हर सूरत में मैं अपने पाकिस्तान जा रही हूँ इंशाल्लाह। काश मैं प्रोटेस्ट में जा सकती लेकिन जा नहीं पा रही, लेकिन मेरा दिल वहीं पर है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी फिजिकली वहाँ जाके इन सब चीज़ों का हिस्सा बनूँ। लेकिन आप लोग जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं शिकागो, मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द जल्द हर चीज़ के लिए इवेंट्स करें, बताएँ कि शिकागो भी जिंदा है, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं।